सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी मिलने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल उनके पत्नी रंजीत रंजन ने एक मीडिया संस्थान से बात करते हुए कहा कि मेरा और हमारे बच्चों का पप्पू यादव से कोई लेने देना नहीं, हमारे बीच बहुत मतभेद है, हम पिछले 2 साल से अलग रह रहे हैं। जहां तक बात सोशल मीडिया पर मिली धमकी की है तो ये सवाल कानून और व्यवस्था का है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो बयान चल रहे हैं उससे उनका और उनके परिवार का कोई लेने देना नहीं है। बता दें पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी भरे कॉल के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र भी लिखा है। 21 अक्टूबर को लिखे गए पत्र को 2 दिन पहले सार्वजनिक किया गया। इसके साथ ही मीडिया के एक वर्ग में बिश्नोई गैंग के एक कथित सहयोगी की ओर से दी गई धमकी का ऑडियो क्लिप भी सुर्खियों में रहा है। रंजीत रंजन की ओर से अचानक से यह बयान क्यों आया, इसे लेकर तरह तरह की चर्चा हो रही है। क्या दोनों के बीच काफी दिनों से पारिवारिक विवाद है या राजनीतिक कारणों से दोनों अलग अलग रह रहे हैं, इसको लेकर अब तक पुष्टि नहीं हो पाया है। फिलहाल पप्पू यादव की ओर से रंजीत रंजन के बयान पर कोई जवाब नहीं आया है। वहीं जानकारों का मानना है कि दोनों के मतभेद की बात पहले कभी सामने नहीं आई। बता दें पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से धमकी मिलने की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद से पप्पू यादव अपने सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने अपनी सुरक्षा को लेकर बिहार के DGP को पत्र भी लिखा है। इसके साथ ही उन्होंने गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा और अपनी सुरक्षा को जेड कैटेगरी करने की मांग की है। बता दें पप्पू यादव ने बाबा सिद्दीकी के हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई पर बयान दिया था। पप्पू यादव का आरोप है कि उसके बाद से ही उन्हें धमकियां मिल रही हैं। अब इस पूरे मामले में पप्पू यादव की पत्नी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके पति से उनका कोई लेना देना नहीं है। बता दें पप्पू यादव इन दिनों झारखंड में महागठबंधन की ओर से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं।